बाबा जब आप आएंगे तो आपका ही बनेंगे, आपका बन करके फिर नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो सदैव अपनी दिल से पूछते रहो, ऐसे पूछते पूछते ऐसे नहीं हो कि कनेक्शन ही टूट जावे, कोई का लिंक जुट जाता है और कोई का लिंक टूट जाता है। 12 जनवरी 1964 की वाणी का तीसरा पीठ। ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि बाप से बुद्धि योग का लिंक घड़ी घड़ी टूट जाता है। बाप कहते हैं फिर भी कोशिश करके यहां वहां से आए करके फिर भी बाप की याद में लग जाओ, क्योंकि वो बाबा जानते हैं कि बुद्धि की लिंक टूटनी जरूर है, घड़ी घड़ी टूटेगी। और जो भी जगह से हट करके फिर बाप को याद करेंगे, बार बार ऐसे करेंगे और बार बार लिंक टूट जाएगी। इसको ही कहा जाता है कि इस समय में ये भूल भुलैया का खेल है, और ये भूल भुलैया का खेल प्रैक्टिकल में चल रहा है। और फिर बाप समझा रहे हैं कि ये जो भूल होती है वो जितना जो बाप को याद करेंगे उतने ही पाप कटेंगे। याद का अर्जन करने की भी तो बाबा मार्जिन देते हैं, कितनी महिमा करते हैं कि याद करते करते तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। फिर बच्चे नंबर वार पुरुषार्थ तो करते ही हैं, और अगर अच्छी तरह से याद में रहें तो फिर लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया, इस डायनेस्टी में आ जाएंगे। किस डायनेस्टी में? सतयुग के पहले जन्म में है? नहीं, जब इशारा करते थे लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ तो वो लक्ष्मी नारायण का चित्र है जो रोशनी के गोले के बीच में खड़ा है, वो संगमयुगी लक्ष्मी नारायण है या सतयुग का लक्ष्मी नारायण है? संगमयुगी लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया तो बोला कितनी महिमा करते हैं, अच्छी तरह से याद करेंगे तो फिर तुम इस डायनेस्टी में आ जाएंगे। ये कौन से नंबर की डायनेस्टी है? हैं? पहले नंबर की। तो फिर आखिरी नंबर नारायण की डायनेस्टी कौन से नंबर की हुई है? अरे पहले नंबर की है तो कोई और नंबर भी होंगे ना। आखिरी नंबर की नारायण, जो आखिरी नंबर का नारायण होगा वो डायनेस्टी कौन से नंबर की होगी? 9वें नंबर का नारायण होगा, क्योंकि 8 जन्म तो सतयुग के नारायण के और 1 जन्म संगमयुगी नारायण का, तो कितने हुए? 9 नारायण हुए। और 12 जन्म त्रेता के, तो 12 और 9 कितने हुए? 21 जन्म हो जाते। तो अपनी जांच करते रहो कि हम अच्छी तरह से याद करते हैं, ये अच्छी तरह से लिंक टूटती रहती है, हैं? जांच करनी चाहिए, तब ही बाबा कहते हैं रात को बैठ करके
याद करो, अपनी डायरी रखो और स्मृति में बैठो कि सारे दिन में कहां कहां हमारी बुद्धि भटकती रही है। इससे क्या साबित होगा कि जहां जहां हमारी बुद्धि भटकती रही तो बुद्धि का लगाव, झुकाव, अटैचमेंट कहां रहा? बाबा की तरफ रहा या मित्र संबंधियों, गुरु गोसाइयों की तरफ रहा? अटैचमेंट देखना है ना कि आत्मा का अटैचमेंट कहां रहा। जिसके साथ अटैचमेंट होगा उसका संग रंग लगे या नहीं लगेगा, उसका फिर संग का रंग भी लगेगा। तो फिर अगर वो भी बात लिख दिया तो बाबा समझ जाएंगे तुम्हारी याद की रफ्तार को, समझ जाएंगे और फिर तुम बच्चों को समझाएंगे, कहेंगे भाई यहां वहां क्यों चले गए, तुम जब भक्ति मार्ग में थे तब ही तो कहते थे हम आपको ही याद करेंगे। अभी लिस्ट बताओ कहां कहां चले गए, उस लिस्ट बताने से या लिखने से क्या बात साबित होगी है? कि जहां जहां 63 जन्मों में हमारा कनेक्शन रहा है जिन जिन आत्माओं के साथ, वहां वहां बुद्धि जरूर जाती है। तो फिर बाबा इन बातों को डिटेल में समझावेंगे। जब ये चार्ट वगैरह बहुत आते हैं ना तो उनमें ये लिखना चाहिए, वो तो ठीक है, जो लिखते हो कि हम 2 मिनट 10 मिनट 2 घंटा 1.5 घंटा बाबा की याद में रहा, तो चेक करना चाहिए बाकी कहां रहा। बाकी बुद्धि का योग कहां रहा वो भी लिखो, और सबका समय लिखो तो बाबा उनके ऊपर भी, खाली 1-2 दृष्टांत तो लिखेंगे तो मैं सबका बताई दूंगा, क्योंकि किन किन की ऐसी ऐसी दशा हो जाती होगी, 2-3 की भी पढ़ेंगे तो भी बताए देंगे कहां कहां जाते हैं। आत्मा जो मन बुद्धि रूप है वो कहां कहां दौड़ती है, कहेंगे आत्मा नहीं दौड़ती है, आत्मा में जो मन बुद्धि है वो भागती है। तो कहते हैं मन भागता है, इतनी जब अपने ऊपर घड़ी घड़ी खबरदारी रखेंगे ना, तुम जो बाबा को याद कर रहे हो वो कौन सा बाबा है, हैं? बताओ, उनको तो हमने 84 जन्म में याद किया, 84 जन्म में याद किया, याद किया हैं? नहीं याद किया हैं? वो कौन सा बाबा है जिनको हमने 84 जन्म में याद किया हैं? अरे सतयुग में किसकी डायनेस्टी चलती है? दूसरे, तीसरे, चौथे, आठवें नारायण की डायनेस्टी चलती है या फर्स्ट नारायण की डायनेस्टी चलती है?
है, बाकी जो बाद वाले नारायण हैं वो टाइटलधारी नारायण हैं या ओरिजिनल नारायण हैं? टाइटलधारी। तो तुमने याद किसको किया है? पहले नारायण को याद किया ना। और त्रेता युग में जो जिस नंबर का नारायण बनते हैं उसी नंबर का राम सीता बनते हैं। तो त्रेता में भी जिसकी डायनेस्टी को याद किया वो कौन सी आत्मा रही है? वो ही फर्स्ट नारायण। तो फिर भी कहेंगे कि 84 जन्म में भी हमने घाटा ही पाया है। क्यों घाटा पाया है? इसलिए घाटा पाया कि जो फर्स्ट नारायण है विश्व का मालिक जिसकी डायनेस्टी सतयुग में चलती है वो गिरती कला में आता है या नहीं आता है? हैं? आता है। तो हम भी यथा राजा तथा प्रजा हो जाती, तो घाटा ही पाया ना। हाँ ये कहेंगे कि पहले पहले सतयुग त्रेता में थोड़ा थोड़ा घाटा होता गया, वो तो तुम्हारा वर्षा था, तब भी दिन प्रतिदिन घाटा तो रहता है ना। नई जो जगह है उनको घाटा तो रोज का लगता है। जो नया धंधा करते हैं उनको घाटा लगता है कि नहीं लगता है? घाटा तो लगता है, रोज रोज करते कहेंगे। हाँ 5 वर्ष हुआ भाई इतना घाटा हुआ, 5 वर्ष में फट से तो घाटा नहीं होता है ना, कदम कदम पर घाटा और कदम कदम पर फायदा। बाप कहते हैं तुम्हारे कदम कदम में पदम है, तो फिर वो पदम तुम्हारे कहां गए है? कब की बात है? कदम कदम में पदम, जो कदम बढ़ाया माना कोई कार्य करने के लिए सीमत के अनुकूल हमने जो भी कदम बढ़ाया तो कितनी कमाई हुई? एक कदम भी अगर श्रीमत के अनुकूल बढ़ाया तो पदमों की कमाई हो जाती है। अभी वो पदम की कमाई कहां चली गई? फिर नीचे उतरते समय कदम कदम पर कुछ कम घाटा होता है। तो तुम बच्चे अगर अपन से ऐसे ऐसे बात करते रहेंगे तो तुम्हारा विचार सागर मंथन चलता रहेगा। ये सब के लिए विचार सागर मंथन है, ज्ञान के रतन निकालना। ये ज्ञान है ना, बाबा ज्ञान सुनाते हैं ना, तो हर एक को फिर अपनी अपनी बुद्धि चाहिए। अगर बाप की याद में रहेंगे तो बाबा की याद में एकाग्र चित्त होकर के रहो। अभी जैसे कारपेंटर का काम करते हैं, वो कारपेंटर थोड़े ही बाप को याद करते होंगे। तुम खड़े खड़े जो देखते होंगे याद कर सकते हो, क्योंकि उनकी बुद्धि तो काम में है, उनको फिनिश करना है, और तुम्हारी बुद्धि बाप में है। जानते हो कि हमें उनसे वर्षा लेना है, तो याद में रात दिन का फर्क हो जाता है। तो ऐसी ऐसी बातें अपन आप से करते रहो, समझा ना? करते रहेंगे याद छूट गई, दोबारा ऐसे ऐसे विचार करो,
दोबारा बुद्धि को ले आओ। सोचो क्या रखा है उस धंधा धुरी में, ये करें वो करें, ऐसे भी ख्याल आता जावेंगे। दुनियावी छीछी ख्यालात भी आ जावेंगे। कभी कभी कौड़ियां कमाने के भी ख्यालात बुद्धि में आवेंगे। फिर भी वो ख्यालातों की वासना आती रहेगी। सुनते तो रहते हो कि ये धंधा करते हैं, कमाते हैं, फलाना फलाना करते हैं। ये तो जो धनवान होंगे उनको बहुत ऐसे ख्यालात आते होंगे। अभी बाबा क्या करे, बाबा क्या भी कहेंगे कि फलाना फलाना धंधा करो, हैं? क्यों नहीं कहेंगे, हैं? सब धंधों में है नुकसान। कब? सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में नहीं, अभी संगम युग में। और जितने भी धंधे हैं ज्ञान के अलावा, वो सब धंधों में नुकसान होने वाला है। क्या आखिरी रिजल्ट क्या निकलेगा? सब धंधों में नुकसान होने वाला है और ये ईश्वरी धंधे में फायदा ही फायदा होगा। ओम शांति। दुनिया सतोप्रधान भी बनती है और दुनिया तमोप्रधान भी बनती है। जो सतोप्रधान दुनिया बनती है वो कब बनती है? आदि में, मध्य में, अंत में? कब बनती है? हैं? आदि में सतोप्रधान और अंत में तमोप्रधान। जो आत्मा सबसे जास्ती सतोप्रधान आदि में, वो सबसे अंत में क्या बन जाती है? सबसे जास्ती तमोप्रधान बन जाती है। तो सृष्टि का टोटल विनाश कब होगा? उस टोटल विनाश के टाइम भी ऊपर से आत्माएं नीचे आती रहती है। वो सतोप्रधान होती है और जो पुरानी आत्माएं हैं वो तमोप्रधान बन जाती है। तो तमोप्रधान बनने में पुरानी आत्माएं सबसे आगे जाएंगी या जो नई उतर रही है वो तमोप्रधान बनने में सबसे आगे जाएंगी? हैं? जो पुरानी आत्माएं हैं वो सबसे आगे तमोप्रधान बनने में भी जाती है, क्योंकि नियम है जो बड़े आदमी का बच्चा है वो सुख कुसंग में आता है और छोटे छोटे आदमियों के बच्चे भी कुसंग में आते हैं। कुसंग में आकर के ज्यादा बिगड़ैल कौन बनते हैं? बड़े आदमियों के बच्चे ज्यादा बिगड़ैल बन जाते हैं। तो यही हिसाब है, राम आदि में नारायण है
सबसे जास्ती सतो प्रधान और अंत में सबसे जास्ती तमो प्रधान बनता है। क्यों? क्योंकि लोहे से लोहा काटा जाता है और विष से विष मारा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं देवताओं के गुण अलग हैं और भगवान के गुण अलग हैं। देवताओं के गुण हैं 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, परंतु भगवान के ये गुण नहीं है। भगवान अगर 16 कला संपूर्ण बनेगा तो इस तामसी दुनिया के तमो प्रधान दुखदाई जो राक्षस हैं उनका विनाश होगा? नहीं हो सकता। इसलिए राम वाली आत्मा को ही निमित्त बनना पड़ता है। जो राम है वो ही अंत में रावण बनता है, जो कृष्ण है वो ही अंत में है कंस बनता है। कंस की परिभाषा क्या है? है जो कन्याओं को कोष देता है। कंस ने सबसे बड़ा जघन्य अपराध कौन सा किया है? कन्या का जन्म हुआ और कन्या को मारने का अपराध किया। यहां मारना क्या होता है ज्ञान में? है हाँ। कोई ज्ञान में चलने के लिए पवित्र रहने का पुरुषार्थ करता है और उसको ज्ञान की जगह अज्ञान ग्लानी की बातें सुना करके भगवान के पास से विरोधी बना देते हैं तो अनिश्चय बुद्धि बनता है ना? बनता है। बनता है या नहीं? अनिश्चय बुद्धि बन जाता है। अनिश्चय बुद्धि माना मर गया, निश्चय बुद्धि माना जन्म लिया। तो कंस क्या करता है? जो सबसे जास्ती पवित्रता धारण करने वाली कन्याएं हैं उन कन्याओं को क्या कर देता है? है अपवित्र बनाता है। कन्या के जीवन में ये खासियत है कि उसके जीवन में जो भी पहला आता है पुरुष उसी की छाप उसके सारे जीवन में पड़ जाती। तो भगवान की याद आएगी या उस पुरुष की याद आवेगी? पुरुष की याद आवेगी। तो ये कंस कौन बनता है? कृष्ण वाली आत्मा ही। जब विनाश होता है सारी सृष्टि का तो क्या बन जाती है? है कंस बन जाती है। और विनाश काहे से होता है? पवित्रता से होता है या अपवित्रता से होता है? है अपवित्रता से होता है विनाश। वैसे भी ब्रह्मा की आत्मा दाढ़ी मूछ वाली थी तो विनाश का कार्य करने वाली थी, या वो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद कोई माता में प्रवेश करके पार्ट बजाता है तब महाकाली का पार्ट बजाता है? है हाँ। जब महाकाली का पार्ट बजाता है तब महाकाली के मस्तक पर चंद्रमा दिखाते। तो ये चंद्रमा का पार्ट है क्या? कैसा पार्ट बजाना?
अति के काले मुंह का पार्ट बजाना। अति का गोरा पार्ट बजाता है कि अति का काला पार्ट बजाता है? अति का काला पार्ट। अति का क्या होता है? अंत हो जाता है। अति की अपवित्रता जब होती है तब ही सृष्टि का अंत होता है। और बाबा 15-16 साल की बच्ची हो, बाबा कहते हैं ना पहले माताओं को कन्याओं की सेफ्टी करनी है फिर क्लास में आना है, है? पहले कन्याओं की सेफ्टी सेफ्टी करनी है माताओं को। हाँ जी, जैसे घर में दो माताएं हो और दोनों ग्यार एडवांस में चलती है, ग्यार में ऊपर नीचे रहते हैं, एक घर में है और 15-16 साल की बच्ची हो घर में। हाँ जी हाँ। और अगर एक माता उनमें से क्लास में आए, दूसरी माता के पास ऊपर नीचे रहती हैं दोनों माताएं, और उसके पास छोड़ के आ सकती है ऊपर, अगर वो ऊपर बैठी रहे तो? ऊपर रहने वाली माता और नीचे रहने वाली माता, उस कन्या की जन्मदाता माता कौन है? जो ऊपर रहती है। ऊपर रहती है, है? हाँ जी। तो जो जन्मदाता माता है जितनी सेफ्टी कर सकेगी उतना कोई दूसरी माता सेफ्टी नहीं कर सकेगी। इसलिए मुरली में बोला है कन्याओं के लिए या तो माँ बाप का घर सेफ है या तो पति का घर सेफ है। पति के पास छोड़ सकते? इसके लिए, इसके अलावा दुनिया में कोई स्थान नहीं है जो कन्याओं के लिए सेफ हो। बाबा जैसे वो माता नीचे बैठती है, अभी आप कह रहे हैं जन्म देने वाली माता ऊपर रहती है, बच्ची ऊपर बैठती है, बच्ची ऊपर बैठती है जैसे, और माता नीचे बैठती है, ये है कि दूसरी माता के पास उस कन्या को छोड़ने के बाद जा सकती है? वो तो नहीं बाबा, वो तो समझ आ गई, जैसे ऊपर जो ऊपर वाली माता है वो नीचे बैठती है और बच्चे ऊपर बैठती है, तो ऐसे तो बैठ सकती है ना बाबा? नीचे क्या सीढ़ियों पर बैठती है? नहीं बाबा, दूसरी माता के पास बैठती है तो। बाबा कहने का मतलब दोनों माताएं एक जगह बैठी हैं, ऊपर कन्या अकेली रह जाए और माताएं दोनों बतंगड़ में लग जाएं। तो बतंगड़ में लग जाएंगी तो धीरे से आके कोई नजर बचा के ऊपर चढ़ जाएगा तो? बाबा घर एक ही है ना? घर तो एक है, ऊपर नहीं। घर एक ही है तो मेन गेट का दरवाजे का ताला लगा के रखते हैं क्या? बंद रहता है बाबा। नीचे वैसे बंद रहता है, ताला तो, ताला तो नहीं बंद, वैसे बंद रहता है, ताला तो नहीं रखते हैं। हाँ, और माताओं की बातें करने का तो मामला प्रसिद्ध है। बाबा कहीं कहीं जाना हो जैसे बाबा। हाँ रुक जाओ, इनकी समस्या हल हो जाने दो। हाँ बाबा, जैसे घर में फिर कहीं जाना है, जैसे मम्मी आई हो, जैसे जैसे उसकी नानी आई हो लड़की की, तो उसके पास छोड़ के क्लास में आ सकते हैं? नानी को छोड़ करके? नानी के पास, नानी के पास छोड़ करके, नानी के पास छोड़ करके अगर आई हुई हो तो? नानी आपकी बात मानती है तो ठीक है, नानी को कहो नीचे मेन गेट में ताला लगा दे। और ताला नहीं बाबा, पास में बैठती रहे बच्ची के पास, बच्ची पास। बूढ़ी नानी है, नींद भी आ जाएगी बाबा। फिर क्लास ना करे फिर माता, फिर वो माता क्लास ना करे? माता क्लास में आए लेकिन नानी को कहे कि ताला लगा लो, नहीं तो बाहर ताला मार के चली आए, नानी को बैठा दे। और भी मेंबर होते हैं बाबा घर में, और भी मेंबर होते हैं घर में, जैसे देवर है, बच्चे हैं, वो सबके लिए बाबा ने बोल दिया, बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, चाचा बच्ची को नहीं छोड़ता,
मामा बच्ची को नहीं छोड़ता, देवर बच्ची को नहीं छोड़ता, कोई भी संबंधी ऐसे नहीं जो बच्ची को छोड़ दे, बाप भी बच्चों को नहीं, बच्ची को नहीं छोड़ता। फिर बाबा क्लास में ना आए, फिर वो माता क्लास में ना आए, अपने साथ लेके आओ ना, बच्ची मांगती नहीं बाबा। आपने बचपन से उसे चलाया ही नहीं, नहीं चले बाबा, खुद स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करते रहे, बच्ची को कहा चलने दो, डॉगली पढ़ाई पढ़ने दो। भट्टी करने सेफ्टी के लिए साथ ले गए थे, तो तब उसको निश्चय भी हुआ, तब दूसरे दिन वो स्कूल के साथ ग्रुप के साथ बॉम्बे चली गई, फिर संजय रंग लग गया, निश्चय तो हुआ ही नहीं था, थोड़ा बहुत हुआ था, हाँ सेफ्टी के लिए नहीं थी, और अब बिल्कुल भी नहीं मानती। जैसे को बच्ची, जब बच्ची जब तक टीन एज में है, नाबालिग है, तब तक उसकी सेफ्टी करनी है, बालिग हो जाए ज्ञान में नहीं चलती है, शादी करो। तो अब आपके क्लास में ना आए माता, कोई अर्जा नहीं, बाबा तो कहते हैं एक बार भट्टी कर ली, बाबा का परिचय ले लिया, बल विलायत में चले जाओ, कभी वापस मत आओ, ईश्वरीय सेवा करते रहो तो भी तुम्हारा पद बहुत ऊंचा बन जाएगा। बाबा जैसे कहीं जाना पड़ता है डॉक्टर वगैरह के पास है? जैसे कहीं जाना पड़ता है डॉक्टर वगैरह के पास, तो लड़की को पहले सुना, जैसे डॉक्टर के पास या कहीं और जाना पड़ता है, तो फिर लड़की को छोड़ना पड़ता है, अकेले छोड़ना पड़ता है, जगह साथ में ले जा सकते, ले जाओ साथ में है, जाती नहीं, वो जाती नहीं, बालिग है नाबालिग है, नाबालिग है, नाबालिग है, नाबालिग को दो थप्पड़ मार दोगे वो तो मान जाएगी। तो बाबा मार सकते हैं ऐसे, ऐसे मार सकते हैं। अच्छा खाना देना बंद कर दो, हाथ पांव बांध दो, बाथरूम में बंद कर दो, बाबा जुगल गुस्से होते हैं, जुगल गुस्से होते हैं, युगल नाराज होते हैं, आगे है तो बच्चे के साथ क्यों करते। आजकल की ये परंपरा है कलयुग की कि कन्याएं जो हैं बाप की बात मानती हैं, माता की बात नहीं मानती, माता को पसंद नहीं करती, बाप को पसंद, बाप बच्ची को पसंद करता है, बाप ज्यादातर बच्चियों को सपोर्ट करता है। क्या करें? छेरनी शक्ति कौन बनता है? तो बाबा थप्पड़ भी मार सकते हैं अगर ना मारते। अब वो थप्पड़ आप मारेंगे और वो 17 साल की है, हट्टी कट्टी हो गई, वो आपको मार दे तब क्या करेंगे? ऐसे तो बाबा संस्कार नहीं है, तो नहीं लेकिन ये बच्चों को कौन ले आता है? बाबा क्लियर नहीं हुआ। अरे बच्चों को क्लास में नहीं लाना है बाबा, इस माता जी का क्वेश्चन क्लियर नहीं, क्लियर नहीं हुआ बाबा, ये पूछ रहे हैं। इनका पर्सनल क्वेश्चन है या जनरल पब्लिक का क्वेश्चन है? बाबा कोई फिर पर्सनल मुलाकात नहीं करती है, पर्सनल नहीं है ना, वो पर्सनल में सबको काहे के लिए लपेटा हुआ है। फिर बाबा कहते हैं कब पूछे? आप ईमेल से अपना जवाब ले लीजिए, चिट्ठी से जवाब ले लीजिए, फोन से जवाब ले लीजिए। क्लियर नहीं हुआ बाबा, ये बहुत बार पूछा बाबा, क्लियर नहीं हो पाया। ये टाइम लगता है इसे क्लियर होने में, आप बात में से बात, बाप में से बात निकालते जा रहे हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा ना बाबा। आज तक रजिस्टर में सर्व संबंध लिखते तो सवाल है, सर्व जोड़ना कैसे? रजिस्टर में लिखते थे ठीक है, तो सर्व प्रैक्टिकल में कैसे जोड़ना? क्यों नहीं हो सकता? हाँ बोलो, कौन सा संबंध ऐसा है जो प्रैक्टिकल में नहीं जोड़ सकता है?
अब बोलो ना धड़ाके से, अब आ गए तो शर्म क्यों आ रही है? नहीं शर्म तो नहीं आ रही है। हाँ तो बोलो ना, बोलना भी कैसे जोड़ना? कैसे जोड़ना? अरे किसी एक संबंध की बात ले लो। कान खुजलाने लगे। हाँ बोलो। अरे अब एक बात तो हल हो जाने दो। हाँ जैसे बाप का ले लिया, बाप का ले लिया तो कैसे? अरे वो हमारा बाप है, हम बच्चे हैं। बच्चे का फर्ज क्या होता है? जो बाप फरमान करे माना, आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार ईमानदारी से रहे, बच्चा हो गया। पूछो पूछो गुरु से पूछ के। अच्छा ब्रह्मा जी हैं आप? हाँ रमतु रमजवाद मना, रमतु कहते हैं रमन करना। घट घट में राम रमता है, घट घट रमते राम रमैया, तो वो हो गया रमतु। और रमजवाद हर बात बात में बात का अर्थ निकाल देता है। कोई बात के अनेकों अर्थ हो जाते हैं, जैसे मुरली भी है तो मुरली को चाहे जैसा मोड़ दे, चाहे जैसा अर्थ निकाल दे, उसको है रमजबाज। और कार्तिकेय दो तरह के बच्चे हैं, शंकर को। और शंकर किसका बच्चा है? शंकर भगवान का बच्चा है। भगवान का बच्चा देव देव महादेव, तीन देव ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा देव विष्णु देव और उनका भी बड़ा देव महादेव। तो जो तीनों देवताओं में बड़ा है वो बड़ा बच्चा ठहरा, है ना? तो शिव बाबा का बच्चा शंकर और शंकर के बच्चे एक गणेश और दूसरा कार्तिकेय। जो गणेश है उसमें ज्ञान ज्यादा है या कार्तिकेय में ज्यादा ज्ञान है? हैं? गणेश में ज्यादा ज्ञान है। कौन हुआ? है ब्रह्मा का पार्ट है गणेश का, और कार्तिकेय का पार्ट किसका हुआ? दक्षिण भारत में प्रचार करता है धर्म का, उत्तर भारत में प्रचार नहीं करता है। दक्षिण भारत है भारत का विदेश, तो विदेशों में जाकर के प्रचार प्रसार करता है ज्ञान का धर्म का। तो विदेशी धर्म कौन कौन से हैं? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि आदि। तो इन धर्मों का जो विदेश में जाकर के प्रचार प्रसार करता है उसका नाम कार्तिकेय दिया है।
छह कृतिकाओं से पैदा वो पालना लेता है। उसकी माताएं कितनी हैं पालना करने वाली? छह माताएं हैं। तो बताओ वो छह माताएं कौन कौन से धर्म की होंगी? इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन और मुस्लिम, सन्यासी और सिख। ये छह विधर्मी माताएं उसकी पालना करती हैं। तो छह धर्म के संस्कार उसमें समाये हुए होंगे या नहीं समाये हुए होंगे? है, समा जाते हैं। वो कार्तिकेय जब युद्ध होता है असुरों और देवताओं का, तो कौन सा पार्ट बजाता है? सेनापति का पार्ट बजाता है। माना सेनापति कौन बनता है? जो युद्ध करने में विशारद होता है वो ही सेनापति बनता है। तो जो असुर है, आसुरी दुनिया के जो धर्म है, वो कौन सा युद्ध करते हैं? हिंसक युद्ध करते हैं या अहिंसक युद्ध करते हैं? हिंसक युद्ध करते हैं। हिंसक युद्ध करने वालों में सेनापति का पार्ट बजाने वाला कार्तिकेय है। ये जितने भी छह धर्म हैं विधर्मी, वो निवृत्ति मार्ग के धर्म है या प्रवृत्ति मार्ग के धर्म है? अरे प्रवृत्ति को पक्का पक्का जीवन में चलाते हैं या प्रवृत्ति को तोड़ के नई नई शादियां कर लेते हैं? है, तोड़ देते हैं। माना निवृत्ति मार्ग वाले हैं। एक धर्म तो बाबा जी ने तो प्रवृत्ति मार्ग कौन जो अभी नाम कार्तिकेय जो सिख धर्म है वो प्रवृत्ति मार्ग को मानता है? मानता है, लेकिन प्रभाव में किसके चला जाता है बाद में? फिर तो छह धर्म है, उन छह धर्मों का मुखिया है, विदेश में प्रचार करता है धर्म का, स्वदेशी नहीं है, लेकिन उन धर्मों में सबसे जास्ती पवित्रता का पालन करने वाला कार्तिकेय है। उसे कार्तिकेय कहो, भीष्म पितामह कहो, गंगा पुत्र कहो, गंगा के किनारे कौन से धर्म वालों का जमघट लगता है? सन्यासियों का। तो उन सन्यासियों में मुख्य सन्यासी कौन सा गाया हुआ है? है, भीष्म पितामह। ये भीष्म पितामह वही है जो शिव बाबा के ब्रह्मा में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मा की मानसी सृष्टि के चार पुत्र पैदा होते हैं। वो चारों चार धर्मों के बीज रूप हैं। पहला है देवी देवता सनातन धर्म का बीज, बाकी तीन विदेशी धर्मों के बीज, निवृत्ति मार्ग के धर्मों के बीज। उनमें मुख्य पार्ट बजाने वाला बीज कौन हुआ? अरे कार्तिकेय। टिक टिक बहुत करता है, क्या ज्ञान की टिक टिक बहुत करता है, लेकिन असली ज्ञान जो बाप का परिचय देने का है वो नहीं दे पाता, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? कार्तिकेय। माने माताओं को बोलने ही नहीं देंगे आप?
जलंधर कौन है? महादेव ने जलंधर को अपना अंश बताया। जो एडवांस की कैसेट चल चुकी है उनको पहले सुनो, 20 बार बताया है जलंधर क्या, गंगाधर, लक्ष्मीधर, क्या अर्थ हुआ? धर माने धारण कर ले, धर के बैठ जाए। फिर भी महादेव जलंधर का अंत कर देता है, युद्ध में जलंधर का अंत कर देता है, युद्ध में महादेव जलंधर का अंत कर देता है। अरे आपने पहली बात जो पूछी उसका तो जवाब ले लो, पहली क्या बात पूछी? जलंधर कौन है? जो ज्ञान जल को धर के बैठ गया। ज्ञान जल कौन है? है? अरे ज्ञान जल कौन है? अरे है? हाँ, जो ज्ञान को धारण करे वो ही ज्ञान जल है। पवित्रता ज्ञान जल को धारण करती है, या अपवित्र रहने वाले दुर्योधन दुशासन पुरुष ज्यादा धारण करते हैं? ज्ञान को ज्यादा धारण कौन करता है? कन्याएं माताएं, और कन्याओं माताओं में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान जल को धारण करने वाली कौन है? है क्या? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी हो गई जलम, और उसको धर के कौन बैठ गया? है लक्ष्मी जल हो गई, ज्ञान जल हो गई। उस ज्ञान जल का रिजल्ट क्या है? ज्ञान जल का रिजल्ट है पवित्रता, है ना? ज्ञान जल का रिजल्ट क्या है? पवित्रता। तो जलंधर ने किसको धर लिया? वृंदा को धर लिया। किसको धर लिया? वृंदा को धर लिया, जो ज्ञान जल को धारण करने वाली थी। वो ज्ञान जल को धारण करने वाली वृंदा जब तक जालंधर के संरक्षण में रही, या जब तक उसकी पवित्रता अक्षुण्ण रही, तब तक जालंधर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। कब बिगाड़ सका? जब है, जब उसकी पवित्रता खंडित हो गई वृंदा की, तभी जालंधर मारा गया। इसलिए उसका नाम है जलंधर। ज्ञान जल को धारण करके बैठ गया। हाँ ठीक बात है। ज्ञान सूर्य कौन है? है ज्ञान सूर्य कौन है? शिव। कौन है ज्ञान सूर्य? शिव। जब ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर आता है तो किसी रथ में प्रवेश करता है या नहीं करता है? है? जिस रथ में प्रवेश करता है उस रथ को कोई ब्रह्मा कुमारी ज्ञान जल देती है, अर्पण करती है या नहीं करती है? तो बस यही भक्ति मार्ग में चल पड़ता है। जो ज्ञान मार्ग में ज्ञान सूर्य का प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला है
उसको कोई भक्त ब्रह्मा कुमारी क्या अर्पण करती है? ज्ञान जल अर्पण करती है। तो भक्ति मार्ग में वो परंपरा चल पड़ी। ज्ञान सूर्य को भी क्या करना है? हैं? जल चढ़ाओ। किसने सबसे जास्ती जल चढ़ाया और पहले जल चढ़ाया? ज्ञान सूर्य को जल, ज्ञान जल पहले पहले किसने चढ़ाया? हैं? लक्ष्मी ने, पार्वती ने जल चढ़ाया। तो भक्ति मार्ग में वो परंपरा चल पड़ी। क्या करना है? वो स्थूल सूर्य को उन्होंने जल चढ़ाना शुरू कर दिया। सारी परंपराएं भक्ति मार्ग की कहां से शुरू होती है? यहां से तो शुरू होती है। ओम शांति।